मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार हो रहे अत्याचार के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आदिवासी पेशाब कांड के बाद आदिवासी युवक पर अत्याचार का एक और मामला सामने आया है। बीजेपी विधायक के बेटे ने गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया है। गोलीकांड के बाद से विधायक का बेटा फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है, लेकिन फिर भी विधायक का बेटा अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। वही मामले के 2 दिन बीत जाने के बाद विधायक ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। सिंगरौली जिले की विधानसभा सीट से विधायक रामलल्लू वैश्य का बेटा विवेक वैश्य गोलीकांड की घटना को अंजाम देने के बाद 2 दिनों से फरार चल रहा है। विधायक के बेटे ने आदिवासी युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। गोलीकांड के बाद आदिवासी युवक सूर्य प्रकाश खेरावत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी विधायक के बेटे के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी विवेक वैश्य की गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया है। मामले के 2 दिन बीत जाने के बाद विधायक रामलल्लू वैश्य ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में सफाई देते हुए विधायक ने किसी से भेदभाव नहीं करने और सभी के साथ बराबर व्यवहार करने की बात कही है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा विवेक वैश्य कई वर्षों से हमारे साथ नहीं रह रहा है, वो कब आता है कब जाता है हमें नहीं पता। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी। मैं तो बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि विवेक 5-6 साल से अलग रहता है। वह नौकरी करता था निगाही परियोजना में, किंतु वो चटका नाला के पास घर बना के गाय और अपना वहीं पर रहता है। घर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर रहता भी नहीं, इसलिए पूरी जानकारी नहीं मिल पाती कि कब कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। स्वतंत्र रूप से इस पर कार्रवाई करें और कांग्रेस पार्टी के लोग ज्ञापन प्रदर्शन जो कर रहे हैं ये गलत है। मैंने तो पहले ही कहा और मैंने TI से भी बात की तो पता चला कि FIR कल ही दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी होना बाकी है। मैंने कहा आप जैसा चाहे वैसा करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।